दोस्तों पहले पॉलिटिक्स करने का पूरा जिम्मा पॉलिटिकल पार्टियों का ही होता था, लेकिन आजकल इसका पूरा जिम्मा न्यूज चैनलों ने भी ले लिया है, जिसमें सबसे आगे है जी न्यूज। फेक न्यूज फैलाने और लोगों को गुमराह करने में सबसे आगे जी न्यूज है। आलम यह है कि अब लोग फेक न्यूज की मिसाल ही जी न्यूज के नाम पर देते हैं। कुछ बोलने से पहले भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम और हां पाकिस्तान मुर्दाबाद। नहीं तो ये भाजपाई और इनके अंधभक्त मुझे पाकिस्तानी और देशद्रोही बोलने में टाइम नहीं लगाएंगे। दोस्तों 3 मार्च 2019 को जी न्यूज ने एक बाइट चलाई जिसमें उन्होंने इंडियन इंटरेस्ट के एक पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि ये तस्वीरें बालाकोट में हुए हवाई हमले के बाद के बर्बादी को दर्शाती है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जी हम आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं बालाकोट स्ट्राइक की। ये जवाब है उन लोगों को जो सबूत मांगते हैं, वो लोग जो सवाल उठा रहे थे कि बालाकोट में भारत के हवाई हमले के बाद कितनी तबाही हुई, ये बताइए। तस्वीरें जी न्यूज आपके लिए लेकर आया है, इस कैंप की हमले से पहले की तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है, 23 फरवरी 2019 की। पूरे प्रसारण में ये दावा किया गया है कि ये तस्वीरें भारतीय वायुसेना के द्वारा ध्वस्त किए गए स्थल की है। 4 मार्च 2019 को भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने ये तस्वीर शेयर करते हुए ये दावा किया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष रंजन राय और गौरव प्रधान ने भी इस तरह की फेक न्यूज को आगे बढ़ाया है और लोगों को गुमराह किया है। दोस्तों पॉल न्यू जिन्होंने जूम अर्थ को बनाया है, उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है कि ये सारी तस्वीरें कई साल पुरानी हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये सारी सैटेलाइट तस्वीरें रोज के रोज अपडेट नहीं होती हैं। दोस्तों ये तो वही हाल हो गया कि मामा तू माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाता हूं, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरला। दोस्तों इसी तरीके से वोटरों को लुभाने के लिए झूठ पे झूठ फैलाए जा रहे हैं, सत्ता हासिल करने के लिए हर पॉलिटिक्स पार्टियां झूठ पे झूठ फैला रही हैं। आपका काम है कि इन झूठ से बचें और लोगों को झूठ से बचाएं। भारत का समाज हर दिन सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक हद तक हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है। इसके साथ साथ ये समझने की भी जरूरत है कि आखिर भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता गिर क्यों रही है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा और पत्रकार अब राजनीतिक दुकानों की सज्जा के काम आने लगे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता के लिए वोट मांगा। झूठ को इतनी बार दोहराया जाता है कि वो सच लगने लगता है। यूपी के कैराना में घर छोड़कर पलायन करने वाले हिंदुओं की तकलीफ का DNA टेस्ट। नेता, पत्रकार और उद्योगपति आजकल अघोषित रूप से एक ही टीम में खेलते हैं। और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस झूठ को सच बनाने में अपना पूरा योगदान देता है। ये खबरें पढ़कर कभी आपके मन में देशभक्ति की भावनाएं जाग जाती हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3 पोस्ट तबाह कर दिए हैं। तो कभी किसी नेता या पार्टी में आपको चमत्कारिक शक्तियां नजर आने लगती हैं। इसलिए बात कर रहे हैं मोदी के हनुमान की। आइए अब बात करते हैं उन 2 संजीवनियों की जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा है। मीडिया पर विश्वास करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। कबों को अगर आप कुछ दिन देसी घी से चुपड़ कर रोटी डालते हैं तो आपके जो प्रोजेक्शन है वो चलने लग जाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत एक तरह से पोस्ट ट्रुथ युग में जी रहा है।
यानी भारत में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का चलन बढ़ गया है। लव जिहाद पर जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव पड़ताल, आखिर प्यार के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन का खेल क्यों चल रहा है? भारत में फेक न्यूज, गलत तथ्यों पर आधारित आर्टिकल्स, गलत न्यूज रिपोर्टिंग और शब्दों के खेल के जरिए लोगों को गुमराह किया जाता है। भारत के लोगों को झूठ फैलाने वाले मीडिया से भी आजादी चाहिए। दाऊद इब्राहिम का पैर सड़ रहा है। ऐसे पत्रकारों से सावधान रहिए, ऐसे लेखकों से सावधान रहिए जो कि बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज से या बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले होते हैं। यही नेता आगे चलकर राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, पैसा कमाते हैं और अपना जीवन बड़े शानो शौकत के साथ जीते हैं, लेकिन जीवन भर आपको गलत खबरें देते रहते हैं। ऐसे पत्रकारों की पहचान आपको कर लेनी चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, याद रहे, काम नहीं करना में बोलते हैं।